أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين the very very good evening one and all welcome to Alpha Super Speciality Hospital today is the 2nd of Feb 2017 so चलिए ناظرين आज कैजुअलिटी में एक पेशेंट डिस्चार्ज है उनका फीडबैक लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं सो देखते हैं आज कितने पेशेंट डिस्चार्ज है अल्फा हॉस्पिटल में सो हाय सिस्टर हाय हाउ आर यू फाइन हाउ मेनी पेशेंट डिस्चार्ज टुडे वन पेशेंट पेशेंट नेम बता सकते हो शाहीन ओके बेड नंबर फोर ओके थैंक यू सो मच सो अभी हम आ रहे हैं बेड नंबर फोर पर So, excuse me sir, can I come? Aasakti sir. Have a seat sir. Assalamu alaikum sir. So, would you please give me a 5 minutes? Kya mujhe aap 5 minutes de sakte ho? Okay. So, what's your good name sir? My name is Sarfaraz Ali Khan and second name is Shafir Dashari. So, actually I'm from Public Relations Department. मेरे अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विज़िट होने का मेन मकसद ये है कि अल्फा हॉस्पिटल में जो पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनका लाइव फीडबैक लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ सो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप अपने ओपिनियन भी बता सकते हो ओके सो ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है आपको कुछ एतराज़ है क्या सर नहीं है yes. कुछ एतराज़ नहीं है सर सो आपका नाम शफी है शफी सर आप कहाँ से आए हो चंचलगुड़ा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता सकते हो जी अच्छा ठीक है आप चंचलगुड़ा से आए हैं पेशेंट से आपका रिलेशन क्या है सर मेरे सिस्टर है सिस्टर हैं आपके क्या हुआ था आपके सिस्टर को कमर में दर्द जी बहुत तकलीफ थी तो ये सो अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विजिट होने से पहले आप कहीं दूसरे हॉस्पिटल विजिट हुए थे क्या सर नहीं गए थे यहीं पर ही आए सो आपके सिस्टर का भी ट्रीटमेंट कैसा हुआ सर अल्फा हॉस्पिटल में अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेटर है जी आप एडमिट कब हुए सर 31st को एडमिट हुए सो आज अभी डिस्चार्ज हो रहे हो सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कैसा फ़र्क है आपके सिस्टर की हेल्थ में अभी तो वैसे ही जी मीन्स पहले से बेटर है या फिर वैसा ही है वैसे ही पहले से कुछ भी बेटर नहीं है कुछ तो फ़र्क आया होगा डॉक्टर पहचान सकते कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है बिकॉज नवीद मैम ने बात किया है ना बिकॉज आपकी सिस्टर की एज कम है 25 ईयर्स की है सिस्टर आपकी सिस्टर एंड 9 ईयर बिफोर उनकी मैरिज हुई थी सो उनकी कमर में कुछ पेन वगैरह है मैं वहीं पर रही थी तो वही मैंने सुना है तो मैम ने वही बताया है कि कम एज में मैरिज होने की वजह से उनके कमर में पेन हो रहा है सो इज़ नॉट द डिफ़िकल्ट बट मेडिसिन वगैरह लेने पर रिकवर हो जाएगा सो अभी मैं मैम के पास ये वही बताया ना मैम आपको तो इंशाल्लाह शफा हो जाएगा सर ऐसा आप पैनिक मत होइए और हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं इसे लाइव सो वो भी आपके लिए प्रे करेंगे दुआ करेंगे आपके सिस्टर के लिए जिस डोंट वेरी सो आपके अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फेवरेट डॉक्टर कौन रहे हैं सर नवीद सिराज मैम ओके सर अल्फा हॉस्पिटल में आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस हुआ क्या कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन सिस्टर का कोऑर्डिनेशन ईच एंड एवरीथिंग अच्छा था सर ओके ओके सो अल्फा हॉस्पिटल ऐसा ना हो सर अगर आपकी फैमिली या रिलेटिव में किसी के हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आप अल्फा हॉस्पिटल के बारे में क्या एडवाइस देना चाहोगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा हॉस्पिटल अच्छा ही है बल्कि बताएंगे इंशाल्लाह अच्छा थैंक यू सर एंड वन मोर थिंग सर आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हो हमारे नाज़रीन को ओके थैंक यू सो मच सर सो नाज़रीन ये थे हमारे अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पेशेंट जो कि आज डिस्चार्ज हो रहे हैं इनके सिस्टर यहाँ पर एडमिट थे शाहीन मैम सो इन्हें कुछ कमर का पेन था अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होकर ये पेशेंट जा रहे हैं सो नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और आप देख रहे हो अल्फा हॉस्पिटल में सैयदा फरीहा के साथ कैमरा गर्ल सैयदा फरीहा के साथ लाइव न्यूज़ सो हैव अ नाइस इवनिंग नाज़रीन मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल माई व्यूअर्स
Take care, Allah Hafiz. Thanks for giving to this opportunity, sir.